हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको टोमेटो सार यानी कि टोमेटो की सार रहती है उसे कैसे बनाते हैं मैं उसे सिखाने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये कम चीज़ों की इंग्रेडिएंट से बन के रेडी हो जाएगा। तो पहले हमें टमाटर को बॉईल करके उसका हस्क निकाल के रख देना है। और यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। अब एक क्रैकल हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन की पेस्ट डालेंगे एक स्पून तक और इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कांदा लहसुन मसाला और इसे अच्छी तरीके से थोड़ा इसे मिक्स कर करके इसमें टमाटो की प्यूरी डाल देते हैं और इसे उसी वक्त अच्छी तरीके से क्लोज कर देते हैं। 5 से 10 सेकेंड तक उसे ऐसे ही क्लोज करें और फिर निकाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और फिर से क्लोज करके इसे 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पे से पकाइए। अब ये थोड़ा सा बॉईल हो रहा है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। अब ये पक रहा है, अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और इसे हाई फ्लेम पे रख के इसे पकाइए। थोड़ा सा गुड़ भी डाल देते हैं, जैगरी और थोड़ा सा शुगर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे बॉईल आने तक। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स भी डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये राइस के साथ परोसा जा सकता है। आप भी इसे घर पे ट्राई कीजिए और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।